खाना बना रही थी ना, तब मैंने ये नोटिस किया कि ये चिमनी भी नहीं जल रही है। कृष्णा, कैसे आप सब लोग? स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में और मैं हूँ पावनी रावत। तो अभी बज रहे थे 9:30 और नाश्ता करने का टाइम हो गया है, तो रोटियाँ मैंने बना ली हैं, तो अब नाश्ता ही करते हैं ना। रात को इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि मैंने अपने गिटार को यहाँ रख दिया, क्योंकि अगर ये वहाँ से गिर जाता ना तो मेरा हार्ट फेल हो जाता, इसलिए इसे अभी यहीं रख देते हैं। रात को ये भटपट भटपट कर रहा था, इसलिए मैंने इसे कुर्सी पर रख दिया था। अपना नाश्ता, प्याज गोभी, और यहाँ पे है ये कल की पनीर जो कि बहुत ही खूनी सी लग रही है। तो नाश्ता कर लेते हैं, आप लोग भी अपना नाश्ता कर लीजिए। ये देखो, ये मम्मी ने मंगाया था, ये ऐसा ऐसा ऐसा। अब देख लो, मम्मी ने लगाया गया, ये मैंने लगाया है, ये मम्मी ने लगाया। और इसका जो एक पार्ट बच रखा था ना, वो देखो कहाँ लगाया, ये ने बिना देखे सब कुछ लगा दिया। और अगर ऐसा मैं लगाती ना तो ऐसे पढ़ने थे मुझे। और अब तो ये ना उखड़ेगा ना ये कुछ होगा, तो ये ऐसे ही रहेगा। तो जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि वो बिजली के कारण जो फ्रिज था और जो टीवी का था वो ख़राब हो गया था। टीवी तो सही हो चुका है, बट फ्रिज की हालत आप देखो, यहाँ से ऊपर पता नहीं तो निकाल दिया है, ये तोड़ दिया है इसका, ये रहा, और ये पूरा खाली है, खाली फ्रिज। इसको बनने में अब मंडे तक, वो कह रहे हैं कि मंडे तक अगर पता चला तो हम करेंगे सही, ख़राब हो चुका है ये। कल तक हमें लग रहा था कि हमारा फ्रिज और टीवी ही ख़राब हुआ है सिर्फ, बट ऐसा नहीं है। जब कल रात को मैं खाना बना रही थी ना, तब मुझे पता चला कि एक और चीज़ ख़राब हो चुकी है, वो मैं आपको बताती हूँ। वो ये चिमनी दिख रही है ना, तो चलो इस चिमनी को ऑन करते हैं, ठीक है। ये स्वाइप करके करनी होती है, बट अभी ये ऑन नहीं हो रही, आप लोगों को लग रहा होगा कि बंद है। फिर इसका बटन ऑन करते हैं, पर बटन यहाँ से ऑन है, तो अब ये स्वाइप क्यों नहीं हो रही है, अब खुल क्यों नहीं रही है, इसके कोई बटन भी नहीं दब रहे। तो जब मैं खाना बना रही थी ना, तब मैंने ये नोटिस किया कि ये चिमनी भी नहीं जल रही है। इसका मतलब कि ये बेचारी ये खराब हो चुकी है, ये भी खराब हो चुकी है। इतने सारी चीज़ें खराब हो चुकी हैं ना, ये सारी चीज़ें नुकसान पे नुकसान। यही चाहते थे लग रहा खाना जी, यही करना चाहते थे, हमें सिखाना चाहते थे कि भाई कदर करो चीज़ों की, और जब ऐसे बिजली आए तो हटाओ। पर अब कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं, अब तो सब हो ही चुका है ना। तो अब खाना बना लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। दाल इज कुकिंग इज द एंड भात इज चढ़ाइंग इज द आई नो माई इंग्लिश इज वेरी नल्लिंग इज द उसे परेशान करते हैं। चलो, कंबल ओढ़ रखा है, पंखा चला रखा है। हेलो हेलो, क्या बात है ना? क्या दिमाग है? तेरे पे दिमाग है? ये नेथानी मैम को बोलोगी देखने के लिए। नेथानी मैम, देख रहे हो आप? इस क्लिप में ना पीछे से मम्मी की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि ये नहीं डालती है। इसमें मैं बेसिकली बता रही हूँ कि जब मैंने खाना बनाया था तब 1 बज रहे थे, और फिर अभी 7 बज रहे हैं, और मैंने पूरे दिन भर सिर्फ टीवी देखा है 1 बजे से 5 बजे तक, और इतना टीवी देखा है कि मेरे सर में दर्द हो गया था। और मैंने हम नहीं, कभी खुशी कभी गम, रोडीज़ एक्सट्रीम, रोडीज़ राइजिंग, फिर बेकिंग का शो, इतना शो देखा कि सर ने ही दर्द होने लग गया था इसलिए। और ऐसा हुआ कि आज दिन में ना मेरा भाई सो चुका था, और मेरा मन था नहीं खाने के लिए, इसलिए सिर्फ दादी ने खाया, और मम्मी थी नहीं, पापा थे नहीं, तो इसलिए सारा का सारा खाना बच चुका है। इसलिए हमें रात, मुझे रात का खाना नहीं बनाना है, वही है। तो ये रहा मेरा रात का खाना। मानुष को देख सकते हैं, देखो ये अपने नाक का मल निकाल रहा है। यहाँ पे हम बना रहे, मतलब मैं बना रही हूँ चाय वो मम्मी के लिए। ये रही चाय, एंड कहाँगे चाय पीने वाले। आज के लिए इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।